और अब खबर दिल्ली से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा। जी हां, आपको बता दें कि जोधपुर हाउस में मौजूद है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शनिवार रात स्टेट प्लेन से सीएम पहुंचे थे दिल्ली। कई वरिष्ठ नेताओं से यहां पर मुलाकात कर सकते हैं सीएम और एआईसीसी भी जा सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आपको बता रहे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा। दिल्ली में मौजूद है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कयास लगाए जा रहे हैं कि एआईसीसी भी जा सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आपको दिल्ली से खबर बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर हाउस में मौजूद है और शनिवार रात स्टेट प्लेन से सीएम अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे थे। अब कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं, साथ ही ये भी संभावनाएं हैं, कयास हैं कि एआईसीसी भी जा सकते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आपको दिल्ली से खबर बता रहे, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद है, जोधपुर हाउस में है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इसी को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं कि एआईसीसी भी जा सकते हैं और कई वरिष्ठ नेताओं से भी साथ ही आज मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ रही है हमारे साथ। जी प्रीत, बताएं क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं जोधपुर, माफ कीजिएगा, दिल्ली में है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जी बिल्कुल, दिल्ली में देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे, विशेष विमान से पहुंचे और दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल उनसे मुलाकात की और भूपेश बघेल जोधपुर हाउस आकर सीएम से मिलने पहुंचे। और जिस तरीके से कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है उसको लेके कहीं ना कहीं समीक्षा का दौर एक बार चालू जारी है। राहुल गांधी खुद अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो ऐसे में क्या कुछ होगा, राहुल गांधी बेहद नाराज है। तमाम नेताओं से उन्होंने मुलाकात नहीं की, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो खुद अशोक गहलोत हो, भूपेश बघेल हो, ऐसे में उनसे रिपोर्ट मांगी गई है, कहाँ कमी रही उम्मीदवारों के चयन में और किस तरीके से प्रचार प्रसार में कमी रही, क्या रहा जिसकी वजह से कांग्रेस को इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा। तो ये जो रिपोर्ट है इसको सौंपना है, इससे पहले समीक्षा बैठकों का दौर जो है आज जारी रहेगा। अहमद पटेल से मुलाकात कर सकते हैं सीएम। इसके अलावा अभी कुछ देर पहले करण सिंह यादव जो है जोधपुर हाउस पहुंचे थे सीएम से मुलाकात करने के लिए, उनसे भी कहा जा रहा है कि सीएम को फीडबैक दे रहे हैं। तो तमाम जो मुलाकात है दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, ये दौर जारी है। राहुल गांधी को रिपोर्ट सौंपने से पहले ये जो समीक्षा बैठक है, अलग अलग नेताओं से मुलाकात करके सीएम जो है उनसे फीडबैक ले रहे हैं। जी जी प्रीति, बताएं कि ये भी जानकारी मिल रही है कि एआईसीसी भी जा सकते हैं, तो इसके लिए क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, एआईसीसी में अहमद पटेल से मुलाकात करने का समय है। अहमद पटेल और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचेंगे और इसके साथ ही कुछ और जो नेता है पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो, जैसे कि भूपेश बघेल जो कि रात में मुलाकात की थी सीएम से, वो भी यहाँ पर दोबारा एक बार पहुंच सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये समीक्षा बैठकें होंगी, राहुल गांधी को क्या कुछ रिपोर्ट देनी है, प्रियंका गांधी से भी मुलाकात करने की बात चल रही है सीएम की, उनसे भी समय मांगा है उन्होंने, तो उससे पहले क्या कुछ तैयारी करनी है इसको लेके ये समीक्षा बैठक है। राहुल ने जो रिपोर्ट मांगी है कि उम्मीदवार खुद से एक रिपोर्ट सौंपे, वो जो रिपोर्ट है वो प्रदेश के इंचार्ज को सौंपी गई। काफी कुछ उम्मीदवारों ने जो है अपनी रिपोर्ट सौंप दी है लेकिन इस महीने के अंतिम तक वो रिपोर्ट देनी है और उस जो रिपोर्ट अविनाश पांडे के पास पहुंचेगी उस पर चर्चा बातचीत करके वो एक जो समग्र रिपोर्ट है वो सीएम और डिप्टी सीएम मिलकर के राहुल गांधी को सौंपेंगे। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में मौजूद है, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं और वो जो रिपोर्ट है वो राहुल गांधी तक पहुंचाई जाएगी, जिसके बाद राहुल गांधी निर्णय लेंगे कि क्या उन्हें अध्यक्ष बने रहना है या फिर इस्तीफा देना है या क्या एक प्रेसिडेंशियल टीम जो कि उनके बिहाफ पे काम करेगी, चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाए या नहीं, इस बारे में विचार किया जाएगा। जी लगी जी प्रीत, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से दिल्ली से खबर बताते, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। आपको बता दें कि कई वरिष्ठ नेताओं से यहां पर मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही लोकसभा चुनाव 2019 में जो करारी हार कांग्रेस को मिली है इस पर समीक्षा बैठकों का दौर लगातार जारी है।